पानी ज्यादा टल गया इसकी वजह से ये बाहर आ गया, बट नेवर माइंड, आज मैंने तुलसी के पत्ते भी डाले। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव दिस मॉर्निंग। आज सुबह से मुझे मेरा घर मेरा नहीं लग रहा था। एयरपोर्ट बहुत सारा चश्मा ले आओ पापा, पूरी रात कंस्ट्रक्शन करी। वो देखो वो सब काम किए इसने, कुतरा क्या है ये? वो तो मैं देख रहा हूँ। एयरपोर्ट द मास्क ऑन बिकॉज अभी भीड़ वाली जगह में जाने वाले हैं, और आई एम ब्लॉगिंग थ्रू माई कैमरा माई फोन विदाउट एनी ऑडियो सपोर्ट, सो बेयर विद मी, क्योंकि लेंस इधर है, देखना इधर है, बट अपनी शक्ल देख के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बट डू यू रिकग्नाइज दिस प्लेस, मजनू का टीला, द फर्स्ट वीडियो विच स्टार्टेड विनिंग हार्ट्स लाइक लास्ट ईयर। तो द लास्ट टाइम आई चेक्ड उसके व्यूज़ 18,000 समथिंग थे, तो आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू दिस प्लेस नाउ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू गाइज देयर एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू रीट्राई लाफिंग। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द शॉप्स आर क्लोज्ड, जो कि अभी देख के लग रहा है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, जहाँ से स्टेयर है। एक साल के बाद दोबारा यहाँ पे आने का मौका मिला है, तो दिस प्लेस ऑब्वियसली इज स्पेशल टू मी। और लाफिंग मुझे लास्ट टाइम अच्छी नहीं लगी थी। आई एम गोइंग टू री ट्राई बिकॉज टेस्ट पैलेट, टेस्ट बर्ड्स बदलते हैं थोड़ा थोड़े टाइम के बाद, तो लेट सी इफ दिस टाइम आई लाइक इट और नॉट, बिकॉज थोड़ा सा स्पाइसी होता है ये मेरे हिसाब से, मेरे स्पाइस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वहाँ पर डॉगी है बस, बहुत ज़्यादा शांति है यार। आई डोंट थिंक कि ऑडियो का इशू होगा बिकॉज लोग तो बिल्कुल नहीं है, शॉप्स भी बंद है, कुछ गाने वाने कुछ नहीं चल रहे, तो काइंड ऑफ सैड बट काम चला रहे हैं। रिमेंबर अमीगोस, यहाँ पे जब लास्ट टाइम मैंने व्लॉग बनाया था, यहाँ पे एक शॉप थी और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, प्रेयर व्हील छोटा सा, तो यहाँ से वो भी लिया था, क्योंकि शॉप यहाँ पे अच्छी खासी ऑन होती थी। एंड दैट राइट देयर इज आमा कैफे, ऑब्वियसली वहाँ ही जाएंगे आज। आज मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, बट मैं इतने दिनों से घर पे बैठ बैठ के लिटरली ना होम रिडन हो गई थी, मेरे को लिटरली एक पुश चाहिए था कि मैं बाहर की थोड़ी सी हवा खा के आऊँ, और मेरा है ब्लॉगिंग, तो मैंने कहा इतना फ्रीक्वेंटली होता नहीं ना कि अब बाहर जाके ब्लॉग बनाए, तो जब जब बाहर जाने का मौका मिलता है हमेशा थॉट आता है यार शुड आई ब्लॉग। ऊपर से योर गर्ल इज काइंड ऑफ इररेगुलर दीज डेज, आई नो आई नो एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि रेगुलरली अपलोड करूँ। और भी वो शॉप, कोरियन शॉप कोजा, विच आई थिंक, नो आई नो दिस इज क्लोज, आई डोंट नो यहाँ पे क्या खुला हुआ है। एंड आई एम ट्राइंग कि आगे एक आंटी बैठती थी लाफिंग वाली, वहाँ पे हमें एक बंदा भी मिला था लास्ट ईयर व्हेन आई केम हियर, तो कोलकाता से आया था, ही वाज अ टूरिस्ट, तो उस आंटी की मेरे को लाफिंग बनाने की टेक्निक अच्छी लग रही थी। If you want less spicy, although there is not like कुछ ज़्यादा टेक्निक नहीं है इसमें लाफिंग बनाने की, बट मुझे बस अच्छी लग रही थी उन आंटी की। कैफे जहाँ मैंने लास्ट टाइम आना था बट मैं नहीं आई बिकॉज आई वेंट टू आमा कैफे, नेवर माइंड। सेटअप कर रहा है, कुछ तो खुल रहा है धीरे धीरे।
वैसे आज ही लोग कम हैं या दुकानें वैसे ही बंद हो चुकी हैं? खुलने वाली है। अच्छा खुलेगी ना। झोल मोमो। तीन बच्चे अपना स्केट बोर्ड लेके घूम रहे थे। आई विल इंसर्ट द क्लिप फ्रॉम द लास्ट ईयर व्लॉग। ये वाला कैफे भी वैसे अच्छा लग रहा है, बट फर्स्ट बाहर जो आंटी बैठ के बनाती है उन्हीं की लाफिंग खानी है। एंड आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आई रिमेम्बर यहाँ से मैंने एक दो रेमेन उठाई थी, बहुत अच्छी निकली थी, और एग नूडल्स उठाई थी। बीच में क्या डालते हैं? एंड जब तक लाफिंग बन रही है आई हैव समथिंग टू टेल यू गाइज। मैं रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक फ्रीडम इन एग्जाइल, और उसमें दलाई लामा का ही बहुत सारा है। एंड रिसेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई हूँ इनकी तरफ, तो आई एम रीडिंग दैट बुक एंड अनदर वन जिसकी मैं मूवी देख चुकी हूँ, विच इज़ 7 ईयर्स इन तिब्बत। वो मैं ऑलरेडी मूवी देख चुकी हूँ एंड आई लव्ड दैट मूवी। और इसकी बुक भी है, बुक मैं ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ अमेजोन से, बट अभी तक मैंने रीड नहीं करी है क्योंकि मैं मूवी देख चुकी थी, बट आई विल रीड दैट इवेंचुअली। तो ये बताना था इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट तिब्बतन कल्चर एंड यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, रीड दीज टू बुक्स और मे बी जस्ट वॉच दैट मूवी 7 ईयर्स इन तिब्बत, यू विल लव इट। नाउ आई विल जस्ट गो टेस्ट द लाफिंग एंड फिंगर्स क्रॉस कि इस बार मुझे पसंद आ जाए, क्योंकि इसमें ना एक अजीब सी स्मेल होती है दैट हिट्स मी एंड आई जस्ट कांट ईट फूड आफ्टर दैट। तो फिंगर्स क्रॉस इस बार मुझे पसंद आ जाए। ये क्या डालते हो आप? ये सोया? हाँ ओके। वो तो चिली होती है। अब हमारी बारी। I'll just give you one ASMR shot, एकदम पास से, ताकि तुम्हें भी मुंह में पानी आए, but I'm sorry I cannot share. पूरा खाऊं एक बार में? Honestly good. लगा सबसे बढ़िया चीज़ इसकी होती है द टेक्सचर। इसकी वजह से ही मेरे को लाफिंग आने का मन करता था, मन में आता था, ऑल दो मेरे को पहले नहीं अच्छी लगती थी, बट इज बैक एक्चुअली एक्चुअली है। लेट मी जस्ट हैव दिस देन वील टॉक। अब लाफिंग के स्पाइसेस हिट होने स्टार्ट हुआ है, ऑल दो मैंने 5 पीसेस में से 2 ही खाए, स्टिल बट इट्स गुड, I liked it. Next time also I can come here and then have laughing. I like it. Taste buds change ho gaye hai officially. Because ab pehle I used to eat idlis a lot. Ab meko idli itni pasand nahi aati. Ab ye bhi keh sakte ho ek saal Tulo mein rehne ke baad to wahan pe sab kuch different different cheeze hi khayi thi. Although ye Indian cheeze ban jati thi mere se, but regular nahi hota tha. तो दैट इज़ हाउ आई न्यू कि मेरे टेस्ट बड्स काफ़ी बदल गए हैं एंड आई वॉन्टेड टू गिव दिस अ सेकेंड शॉट। Miss traveling.
ऑल्दो इस ऑमलेट में ना मिर्ची थी ज़्यादा ना नमक, तो मेरे जैसे ब्लैंड टेस्ट वाले लोगों के लिए इट वॉज परफेक्ट। तो आई नो बहुत लोग बोलेंगे मजनू का टीला आके अंडे एग भुर्जी कौन खाता है, हम खाते हैं। ओके, फूड डन एंड बेस्ट पार्ट अबाउट विंटर्स, अभी 4:30 हुए हैं और ऑलरेडी थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो गया है। अभी इतना पता नहीं चल रहा होगा कैमरे में, बट फूड वॉज ऑसम, मेरे टाइप के लिए तो बहुत अच्छा था। और चुहिया अपडेट अगर मैं दूँ, अभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया दैट चुहिया हैज़ लेफ्ट द हाउस आफ्टर दो दिन। वो पूरा उसने घर को नचाया है, बेसिकली मुझे नचाया, क्योंकि मुझे जहाँ दिखती थी मैं तो जंप मार के बेड पे चढ़ जाती थी। और मेरा ये चाइल्डहुड फोबिया से कनेक्शन है, क्योंकि एक बारी बचपन में मेरे पैर के नीचे चूहा आ गया था, तो दैट इज़ वाई आई हेट रैट्स ऑफ ऑल टाइप्स। एंड पता ये चल रहा है कि दैट वॉज नॉट अ रैट, इट वॉज अ रोडेंट, क्योंकि उसने हमारे घर में एक अलमीरा वाला एरिया उसने पूरे वहाँ पर सुरंग बना ली है। तो वो चैप्टर अब क्लोज हो गया, नाउ आई कैन फाइनली कॉल माय होम। इतनी बड़ी बड़ी मूली कहाँ से ला रहे हो बच्चों? नीचे से तो बहुत बड़ी है। आ जाओ दे दो। हाँ हाँ, ऐसे आपको बाहर ही नहीं लग रही, ऐसे रख लो कहीं पे ये। रुको रुको, थैंक यू। दिस वॉज द कैफे जहाँ पे मैंने अभी खाना खाया है, इट वॉज अमेजिंग, लासा कैफे। ये आमा कैफे के थोड़ा सा और आगे जाके है, तो विल बी एबल टू फाइंड इट। ओके, वन स्मॉल अपडेट, ये जो कोजा का जो हमारा ये आउटलेट था जो मैंने पहले दिखाया था थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले रादर, ये बंद है, चल नहीं रहा। इट्स वर्किंग और काफ़ी शॉप्स सेटअप हो गई हैं अच्छे से, तो आई जस्ट स्लिप द कैमरा एंड शो, थोड़ा सा लाइवली हो रहा है धीरे धीरे। आई थिंक दिस वॉज द शॉप में पहले भी गई थी। ऑल द सूवनीर्स, तिब्बत रिलेटेड सूवनीर्स सारी मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी। And the doggos. देखो how lively it's becoming. अभी around 4:30 हुए हैं तो it's coming to life. मैंने यहीं से अभी laughing खाई थी, अब आगे जाएंगे। कोई इसको translate करके बता दो मुझे, ये election पे खड़े होने वाले अंकल लग रहे हैं। Even more curious to read about the Dalai Lama now. Hi. Now you know your girl really really likes it. अब इसका मुझे थोड़ा डाउट है बिकॉज इसमें स्पाइसेस कुछ ज़्यादा ही डल गए हैं मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट नेवर माइंड, कितना ही होएगा, है ना भाई? एक बार ही मैं खा दूँ। ओ भाई, पता है सबसे अजीब सी चीज़ क्या है इसके बारे में, लाफिंग के बारे में, मतलब व्हेन यू आर हैविंग दिस ना, बड़ी अच्छी सी लगेगी, इसका टेक्सचर भी बड़ा अच्छा लगेगा। 2 मिनट के बाद जो स्पाइसेस हिट करते हैं ना, पूरा हो चुका है मुंह में, पसीने आने चालू भाई। अब कुछ मीठा खाना पड़ेगा, दूध
मिर्ची हमेशा दूध से कम होती है, पानी से कम नहीं होती। अच्छी भी लग रही है, मिर्ची भी लग रही है। भला आंटी आपका। ले चुके आटा, ले चुके अभी लिए। तो मेरा छोटा सा क्विक रिव्यू अबाउट दिस मार्केट। यहाँ पे वैसे ये बक चॉय वगैरह जो भी ये लीफी वेजिटेबल्स होती है एकदम फ्रेश फ्रेश भी मिलती है, दैट इज़ वाई मैंने मूली भी उठा ली है। और ये मार्केट एज द टाइम गोज ना इवनिंग टाइम तक और लाइवली हो जाती है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर, बिकॉज इट्स पोस्ट कोविड टाइम, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर, कम अराउंड 4:30 तब थोड़ी लाइवली हो जाती है, शॉप खुल जाती हैं, लाफिंग वाली आंटी अंकल सब आ जाते हैं बाहर, पहले एक दो ही मिलेंगे। तो लाफिंग ज़रूर ट्राई करना, फर्स्ट टाइम में कभी अच्छी नहीं लगती, सेकेंड टाइम में अच्छी लगती है और उसके बाद बैंड बजती है मिर्ची से, बट बहुत अच्छी होती है। और करी दिस लुक्स स्पूकी। लोगों के घर में से झांक झांक के आ रही हूँ। एंड आई एम आउट ऑफ दिस मार्केट, इस लेन से आई हूँ। मुझे इसकी ये छोटी छोटी स्पूकी लेन भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब बाहर के एरिया में आ गई हूँ एंड देन आई विल जस्ट टेक दिस ब्रिज एंड देन वहाँ पे रोड क्रॉस हो जाएगा। तूने अब जाके लिए? एक साल के बाद भैया बहुत अच्छे करे, मजा आ गया। इतने टाइम बाद अपनी ऐसे शक्ल देखी है, लाइक बाल प्रॉपरली मेड, एक साल बाद नहीं, मोर देन अराउंड 1.5 साल बाद कटिंग कराई है, वरना अभी तक तो खुद की खुद ही कटिंग कर रही थी, अपने बालों पे सिर्फ मेरा ही हाथ लगे थे अभी तक। वाओ, हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस कैन अ हेयर कट मेक। नॉर्मली मैं भैया को इंस्ट्रक्शन देती हूँ, भैया इतने काटने हैं उतने काटने हैं, आज भैया ने बोला इतने काटने हैं, मैंने कहा काट दो, अपना दिल बहुत बड़ा हो चुका है। और एक साल पाल पाल के ना इतने ड्राई हो रहे थे बाल, ऑल्दो अभी भी थोड़े हैं, बट दैट इज़ लाइक द टेक्सचर ऑफ माई हेयर, बट अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई एम लविंग इट। सो या अमीगोज, आई एम बैक होम और विदाउट एनी प्लान। मजनू का टीले का राउंड भी हो गया, लाफिंग भी खा ली एंड हेयर कट भी करा लिया, विच आई एम लविंग। और अभी बस चेंज वेंज करके आई एम जस्ट गोइंग टू स्पेंड टाइम विद मम्मी पापा। सो आई जस्ट होप यू लव दिस व्लॉग, इफ़ यू डिड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो। एंड वेन एवर आई गो आउट नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली व्लॉग, एंड इस बार कैमरा लेके जाऊंगी। मैं बहुत टाइम से होम रिडन फील कर रही थी और मेरे को पता नहीं बाहर जाने के लिए ऐसा लग रहा था मुझे खुद ही पुश चाहिए। तो टुडे वॉज लाइक अ मच नीडेड चेंज ऑफ सीनरी and experience and feeling. So yeah, I just hope you like this video. If you did, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel and bell button also, and I'll see you next time. Till then, you know what to do, dream, hustle and explore. Bye bye. Ek saal baad I can literally cry. Okay, stop it now.